अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरीन्स किचन। आज मैं बना रही हूँ अपने किचन में पिज़्ज़ा, चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बना रही हूँ मैं। तो उसके लिए पहले हम डो रेडी करते हैं। डो के लिए मेरे पास मेजरिंग कप है, मेजरिंग स्पून है। ये वाले 4 कप मैदा लूँगी मैं डो तैयार करने के लिए। मैदा मैंने छान के रखा हुआ है। चार कप मैदा ये हो गया हमारे पास मेजरिंग कप से। ईस्ट है मेरे पास इंस्टेंट ईस्ट, ये आराम से अवेलेबल है बाज़ार में, साशा आपको मिल जाएगा। और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है ये वाला 1 टेबल स्पून चीनी लिए, 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है मैंने, ये वाला 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है, 2 टेबल स्पून घी लिया है या ऑयल जो भी आप ले सकते हैं लीजिए, और 1 अंडा लिया है नॉर्मल साइज़ का। और नीम गरम पानी लेंगे जिससे हम इसको गूंदेंगे। ईस्ट ऐड करेंगे, बहुत से लोग जो हैं वो ईस्ट पानी में घोल के डालते हैं, पहले उसको वो करते हैं, मैं डायरेक्ट डालती हूँ। डायरेक्ट ईस्ट डालें, चीनी डालें। क्विक एंड ईजी रेसिपी है, आप लोगों को पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये अब मौसम ज़रा थोड़ा गर्म हो गया है तो ये इजीली 1 से 1.5 घंटे में राइज हो जाएगी आपकी डो। पहले ड्राई जो चीज़ें इनको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। इसको अच्छी तरह मिक्स करें। जैसे आटा गूंदते हैं इस तरह से। जब ये डो हम बना रहे होंगे तो इसमें पानी की मेजरमेंट थोड़ा रोक के करेंगे कि अपने हिसाब से आप देखिएगा जिस तरह आप बनाएं। अगर आपको लगे पानी की नीड है ज़रा वो हुआ हुआ है हार्ड तो और ऐड कर लें, एकदम से सारा ना डालिएगा कि वो पतला ही हो जाए डो, फिर हमारे पिज़्ज़े का जो डो है वो पतला रहेगा, इसलिए ज़रा इसको रोक के डालेंगे। देखें अच्छा सा मिक्स हो गया है सब चीज़ें हमारी इसमें।
हल्का सा ऑयल लगा के हाथ पे इसको इस तरह से आप करें डो को, और थोड़ा सा ग्रीसी इसको भी कर लें आप अपने बाउल को हल्का सा ऑयल लगा के, कि ये डो आपकी इसमें रखेंगे तो ये चिपके ना इसके ऊपर। ये हमारी डो रेडी हो गई है, इसको हम राइज होने के लिए रखते हैं और उसके बाद ये 1.5 से 2 घंटे में राइज हो जाएगी। इसको हम कवर करके रख देते हैं, जब इसको हम कवर करके रख देते हैं 1.5 से 2 घंटों के लिए। चिकन टिक्के पिज़्ज़े के लिए हम बोनलेस चिकन है मेरे पास 1 पाव, इसको हम कट कर लेते हैं और इसको हम फिर जब तक फ्राई कर लेंगे। क्यूब्स कट करेंगे हम इसके, पिज़्ज़ा हमारा चिकन टिक्के पिज़्ज़े के लिए डो राइज हो रहा है। जब तक मैंने चिकन जो थी बोनलेस मेरे पास 1 पाव, उसकी मैंने क्यूब्स कटिंग कर ली हैं, और इसके लिए मेरे पास जो हैं चिकन टिक्का पिज़्ज़े के चिकन के जो आइटम्स हैं स्टफ के, वो हैं ज़ीरा भुना पिसा 1 चम्मच, चिकन के मैंने क्यूब्स करके रख लिए हैं, नमक 1 टीस्पून, भुना पिसा ज़ीरा 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून पिसी करके रख लिए हैं, मेरे पास सॉल्ट है 1 टीस्पून, भुना पिसा ज़ीरा है 1 टीस्पून, पिसी हुई मिर्च है 1 टीस्पून, गरम मसाला है 1 टीस्पून और दही है 1 टेबलस्पून, चॉप लहसुन की जवे हैं 4 से 6 ले लें आप, इसको चॉप करके रख लें। टॉपिंग के लिए मेरे पास टमाटर हैं, 2 टमाटर कट कर लिए हैं स्लाइस, और शिमला मिर्च है, चेडर चीज़ है मेरे पास और मोज़रेला चीज़ है, ये टॉपिंग के आइटम हैं। और जब डो को हम बेलेंगे उसके बाद स्टफ से पहले हमें मोज़रेला चीज़ लगानी होगी। थाइम है, हर्ब्स में ओरिगैनो है, सॉसेज है मेरे पास, पिज़्ज़ा सॉस है, मैं पिज़्ज़ा सॉस यूज़ करूँगी रेडीमेड, और घर में भी पिज़्ज़ा सॉस बना सकते हैं, उसकी मैं आपको रेसिपी बाद में बताऊँगी। चिकन टिक्के के लिए हम स्टफ रेडी कर लेते हैं, नमक ऐड करेंगे, भुना कटा ज़ीरा, पिसी हुई मिर्च, गरम मसाला, 1 टेबलस्पून दही, हर्ब्स एंड में यूज़ होगा, नीचे से सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टीस्पून, चिली सॉस ऐड करेंगे 1 टीस्पून, सिरका ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और ये मेरे पास वूस्टर सॉस है, वूस्टर सॉस पीसे में यूज़ करेंगे 1 टीस्पून। इसको हम मिक्स करेंगे,
पाँच मिनट के बाद इसको हम फ्राई करेंगे। हम ऑयल डालेंगे अपने फ्राई पैन में और चिकन फ्राई करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें मैं चिकन ऐड करूँगी। ये हमने चॉप करके रखा है, ये लहसुन ये ऐड करेंगे इसमें। गार्लिक को चॉप करके डालेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसमें, खुशबू भी अच्छी आ रही है। इसको पाँच मिनट के लिए अब हम ढक के रख देंगे, थोड़ा सा गल जाएगा तो हम ढक देंगे। हो गया है, बहुत अच्छा डो राइज हुआ है। इसकी एयर निकाल देते हैं इस तरह करके, इसका अच्छा सा हम पेड़ा बनाते हैं। ये मैंने दो पीज़ों के लिए लिया था, मैंने 4 कप लिया था मैदा, तो अभी मैं एक बेक करूँगी, एक रख देती हूँ। डो हमारी रेडी है, ऑयल या घी से पैन को ग्रीस करेंगे बेसन करके। इससे ये होगा, इस पर ऑयलिंग करने से कि हमारा डो जो है वो इस पर चिपकेगा नहीं। डो को हम पूरे पिज़्ज़ा पैन में फैला देंगे। अच्छी मोटी लेयर रखेंगे हम अपने पिज़्ज़े की, ये देखें मोटी लेयर रखेंगे, हाथों से फैलाएं इस तरह पिज़्ज़ा पैन में। और अगर आपको क्रिस्पी पिज़्ज़ा चाहिए तो आप फिर आप पतली लेयर रखें, अगर मोटा सॉफ्ट चाहिए अच्छा तो फिर इसको थोड़ा मोटी लेयर रखेंगे। डो मैंने इसके ऊपर फैला दिए, अब इसके ऊपर इस तरह से आप कट करेंगे। इससे पिज़्ज़ा अच्छा बेक होगा हमारा। पिज़्ज़ा सॉस के ऊपर स्प्रेड करेंगे। मैंने पिज़्ज़ा सॉस इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया है, अब मैं इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डालूँगी। चिकन गल गई है हमारी और ये फ्राई भी हो गई। मैं टिक्का पिज़्ज़ा बना रही हूँ, इसको मैं स्मोक करूँगी। मैंने 2 छोटे छोटे कोयले जो हैं वो कर लिए हैं, इसको ऑयल लगा के साइड पे स्मोक करूँगी मैं। इसको
इसको कवर कर देंगे स्मोक के लिए। चिकन में स्मोक हो गया, इसको मैं हटा दूंगी। अब मैं पिज्जे के ऊपर चिकन की टॉपिंग करूंगी। इसकी हम टॉपिंग करेंगे टमाटर से, शिमला मिर्च से, कॉर्न्स और ऑलिव्स, जिससे दिल चाहे आप टॉपिंग करें, जो आपको पसंद हो। मेरे घर में यहाँ पे घर वाले मेरे ऑलिव्स, हमारे घर के बच्चे मशरूम्स ऑलिव्स बिल्कुल पसंद नहीं करते, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं डालती, और ये पसंद करते हैं इसलिए मैं ये डालती। डालेंगे थाइम ओरिगैनो का, हर्ब्स डालने के बाद पहले हमने मोज़रेला चीज़ की लेयर लगाई थी, अब हम चेडर चीज़ डालेंगे इसके ऊपर। मैंने देखिए को हीट अप कर लिया है, स्टैंड रख दिया है, अब मैं अपना पिज़्ज़ा रखूँगी। दस से पंद्रह मिनट के लिए इसको बेक होने के लिए रख देंगे हल्की आंच। हम देखते हैं अभी, चेक करते हैं कि ये बेक कैसा हुआ है। दस मिनट हुए हैं अभी, दस मिनट और बेक होगा ये, फिर रेडी हो जाएगा पिज़्ज़ा। हम देखते हैं रेडी हो गया है माशाल्लाह हमारा पिज़्ज़ा। चमचा पिज़्ज़ा अपना निकालेंगे, पतीले में बेक करेंगे तो आपको लाजमी ग्लव्स पहनना होगा। रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रमज़ान में इफ्तार में बनाइएगा ये, और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग मेरी रेसिपी ट्राई कर रहे हैं, मेरे इनबॉक्स में कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। ये है मेरी रेसिपी का आज की फ़ाइनल लुक, आप लोगों को पसंद आएगा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और रमज़ान में इफ्तार में ज़रूर बनाइएगा, मज़ा आएगा आप लोगों को खाएंगे। मैं इसे कट करके दिखाती हूँ, इसके साथ आप लोग बहुत अच्छा लगेगा टेस्ट इसका जब आप लोग बनाएंगे इसको खाएंगे। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।